Oh yeah. आई के साथ जुड़कर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कीजिए विशन आई यूपीएससी प्रीलिम्स में सफलता के लिए अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स पर प्रभावी समझ विकसित करने में मदद करता है करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ से आपको जीएस प्रीलिम्स के अन्य टॉपिक्स पर भी बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का महत्व और बढ़ जाता है जैसे जैसे आप तैयारी की राह में आगे बढ़ते हैं, आपकी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ और विभिन्न टॉपिक्स पर आपकी समझ भी बेहतर होती जाती है इस दौरान आप केवल रटने के बजाय तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उन्हें प्रिलिम्स के विभिन्न टॉपिक से जोड़कर पढ़ने पर जोर देना शुरू करने लगते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान प्रीलिम्स एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बार बार रिवीजन करना एवं इन्फॉर्मेशन को याद रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीलिम्स 2024 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स को 60 घंटों में रिवाइज करने विश्लेषण करने एवं उस पर प्रभावी समझ विकसित करने के लिए हमने पीटी प्रोग्राम शुरू किया है इस प्रोग्राम से आपको प्रीलिम्स की बेहतर ढंग से तैयारी हेतु एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एवं लर्निंग आउटकम्स को हासिल करने में मदद मिलेगी इनोवेटिव और सुनियोजित अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया पी टी प्रोग्राम आपकी तैयारी को कई तरह से आसान बना देता है जैसे करेंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कक्षाओं में जी एस के नजरिए ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक्स और विषय आरोप जोर दिया जाता है स्मार्ट तरीके से रिवीजन के लिए हाई क्वालिटी एवं सुनियोजित रूप से डिजाइन किया गया पी टी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है अभ्यर्थियों की समझ का आकलन और उसे बेहतर करने के लिए हर सेक्शन के अंत में स्मार्ट ट्विस्ट को शामिल किया जाता है पी टी प्रोग्राम आपकी रिविजन स्ट्रेटेजीज एवं याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप तथ्यों को लंबे समय तक याद रख सके और उन्हें रिकॉल कर सके क्योंकि यह सब यूपीएससी प्रीलिम्स के विशाल सिलेबस को प्रभावी ढंग से समझने एवं तैयार करने के लिए बहुत जरूरी होता है पी टी प्रोग्राम के तहत वन टू वन मेंटरशिप यूनिट प्रिपरेशन प्लान और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है इससे अभ्यर्थियों को प्रीलिम्स से संबंधित तनाव एवं चिंता को दूर करने में मदद मिलती है जिससे एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है पी टी थ्री सिक्सटी फाइव प्रोग्राम से जुड़कर अपनी सफलता की राह में मजबूती के साथ आगे बढ़िए और अधिक जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमें कॉल कीजिए या हमें मेल कीजिए इंक्वायरी हमारे साथ यूपीएससी में सफलता की राह पर आगे बढ़े चलिए वेलकम बैक अब हम लोग कार्यपालिका पूरी तरीके समाप्त कर चुके हैं विधायिका पूरा समाप्त कर चुके हैं पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स दोनों में आपको न्यायपालिका का एक संघ के संदर्भ में एक दूसरा राज्य के संदर्भ में आप बताइए कि भारत में जो न्यायपालिका है क्या वो कार्यपालिका से स्वतंत्र है बिल्कुल डीपीएसपी में बोला गया है और साथ में जो प्रोविजंस हैं आज हम लोग देखेंगे कार्य से स्वतंत्र है और आपको ये बता दू आप विश्वास नहीं करेंगे लोकतांत्रिक देशों में अच्छा कार्यपालिका से या विधायिका से स्वतंत्रता न्यायपालिका का ये लोकतांत्रिक देशों में ही होगा आपका ही मान लो तानाशाही है वहां न्यायपालिका कभी स्वतंत्र हो सकता है अगर स्वतंत्र हो गया तो तानाशाह बन नहीं पाएगा वो है ना मान लो जहां राजशाही चल रहा है वहां न्यायपालिका स्वतंत्र होगा सऊदी अरब में न्यायपालिका स्वतंत्र होगा नहीं होगा तो ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है से जो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आता है है ना तो वो जो सेपरेशन ऑफ पावर लोकतांत्रिक सिद्धांत है आपको हम शिव गामी से समझाए थे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों निरंकुशता को कम करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर करना जरूरी है और दूसरा क्या बताया था डिविजन ऑफ पावर उसमें क्या था कि संघ के स्तर पर शक्ति राज्य के अलग अस्तर पे अलग शक्ति प्रयोजन में राज्य की शक्ति का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है है ना समान तो वहां भी शक्ति कम हो गया क्या आपको यह बताए थे कि इसी को संघवाद कहते हैं और फिलिम्स में बार बार पूछा है कि संघवाद के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है प्राइमरी कंडीशन संघवाद रहे संघवाद का उसमें तीन चार चीज पांच चीज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र न्यायपालिका वो तो संविधानवाद है सीमित सरकार संघवाद आज आरती करके नहीं आई क्या तो ये जो है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण है, है ना ये भी बताए थे कि क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए अरे लोकतंत्र नहीं संघवाद के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए लवी स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए संघवाद के लिए बताया था मैंने माइक दीजिए ये हाथ हिला अच्छे से बताएगा माइक दीजिए इसको हाँ सर संविधान में संघ और राज्य का पावर बटा हुआ है हाँ। तो अगर कोई भी उल्लंघन कर रहा है तो कोई होना चाहिए ना बताने के लिए कि यहाँ पे विवाद को निपटान हाँ। करने के लिए वो तो बात की बात है संघवाद से हम बात कर रहे हैं वो तो लोकतंत्र लोकतांत्रिक सिद्धांत आप बता रही है संघवाद तो जो है संघवाद जो फेडरलिज्म शब्द है कुंदन इधर ध्यान दो हमको पता है तुम्हारा नाम कुंदन नहीं है <laughs> इधर ध्यान दो, दो संघवाद जो है उसमें फेडरलिज्म शब्द से है जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट लिखित तो होना चाहिए नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा है ना जैसे ही लिखित कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका मतलब है लिखित संविधान होना आवश्यक है में प्राइमरी कंडीशन है लिखित संविधान दूसरा क्या था स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों लिखित संविधान होने के बावजूद भी सारा पावर सारी संसद उसी के पास है संघ के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति उसी के पास है सबसे बड़ी बात यह भी है कि भाई आर्मी से लेकर हर चीज है कहीं राज्य को खा ना जाए तो भविष्य में विवाद उत्पन्न होगा राज्य का अपना पावर बचा रहे इसके लिए क्या होगा न्यायपालिका के पास जा सके वो भी निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए संघवाद के लिए तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है तो संघवाद का एक बहुत बड़ा विशेषता भारत में देखने को मिलेगा एक ऐसा चीज है जो संघवाद के खिलाफ जाता है न्यायपालिका के केस में एकीकृत माइप में बोलो एकीकृत न्याय सही जवाब एकीकृत न्यायपालिका ये अमेरिका में जाओगे तो तुमको एकीकृत न्यायपालिका नहीं है फेडरल कोर्ट अलग है जो संघ का कोर्ट है और उसके नीचे हम बताए थे ये ये है ना एकीकृत न्यायपालिका संघवाद के खिलाफ जाता है कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों क्योंकि सर क्योंकि सर नियुक्ति जो होता है ना उसमें सेंट्रल का योगदान ज्यादा होता है माइक पीछे करो तुम तुम ही बोलोगे नहीं, नहीं माइक पीछे दीजिए कोई बोल रहा था हाथ खड़ा करो अच्छा माइक तो आप ले आप ले लीजिए लीजिए आप माइक ये जो संघवाद जो है और जो भारत में एक स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका इस नाम सुने हो ना तो एकीकृत न्यायपालिका संघवाद के खिलाफ क्यों जाता है क्यों क्योंकि दे, माइक माइक दीजिए माइक हां सर मोस्टली जो पावर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं हाई कोर्ट अच्छा अच्छी अच्छी बात है वेरी गुड और और बताइए और सर जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं फिर कहीं ना कहीं वो आ, हाई कोर्ट के रूल के मुताबिक ही काम करते हैं ये भी ठीक है लगभग ठीक आपने बताया वेरी गुड और कोई ट्राई करना चाहेगा हां सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो हाई कोर्ट का कोई फैसला को बदल सकता है अच्छा हाँ तो जो उसका पावर था हाई कोर्ट का उसपे तो सुप्रीम कोर्ट का पावर हाई हाई मतलब हैवी हो गया ना इसलिए वेरी गुड वेरी गुड ये भी एक अच्छा पक्ष है अब समझिए बात को कि संघवाद में ये ऊपर संघ जिसको ब्रैकेट में मैं केंद्र लिख रहा हूं और नीचे राज्य है नीचे राज्य है। नीचे राज् यूएसए का उदाहरण ले लीजिए दोनों के बीच जो संबंध है ना कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार का ये भी होना चाहिए विधायिका भी होना चाहिए, चाहिए तो कार्यपालिका विधायिका भी देखिएगा कि यूएस में ऊपर संघ के स्तर पे अलग है और राज्य के स्तर पे अलग है इसी प्रकार का न्यायपालिका भी होना चाहिए तो इसलिए देखिएगा यूएसए में तो न्यायपालिका है ये फेडरल कोर्ट है संघ का कोर्ट और ये क्या है क्या है प्रोविंसेस के हाई कोर्ट से और नीचे सबोर्डिनेट कोर्ट है इसमें भी जो रिलेशन है थोड़ा सा वो किससे जुड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से लेकिन ये हाई कोर्ट के मामले में कौन डिसीजन लेगा कौन नियुक्त करेगा कौन इसको न्यायाधीश को ये करेगा पद से हटाएगा सारा डिसीजन कौन लेता है अमेरिका में राज्य लेता है मतलब राज्य की वो शक्ति मिला हुआ है भारत में क्या है एकीकृत न्यायपालिका है आप संघवाद के हिसाब से तो भाई राज्य और केंद्र के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संबंध होना चाहिए उसी प्रकार से आपको ये एक अल... जो राज्य है राज्य हाईकोर्ट के मामले में डिसीजन लेने चाहिए सारे किसको नियुक्त हम करना चाहते हैं किसको कैसे पद से हटाए जो हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम हो लेकिन होता क्या है कि भाई हाई कोर्ट में जज को कौन नियुक्त कर रहा है संघ में सुप्रीम कोर्ट में तो भाई कर ही रहा है संघ कोई बात नहीं लेकिन हाई कोर्ट में जज को कौन नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति और उसको पद से हटा कौन रहा है संसद मतलब ठीक है राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाता है लेकिन संसदीय कार्रवाई के माध्यम से विशेष बहुमत राज विधायिका का कुछ नहीं कुछ भी नहीं है राज विधायिका का तो जो हाईकोर्ट का जज होगा हम प्रैक्टिकली आपसे पूछ रहे हैं डिसीजन देने में थोड़ा सा किसके तरफ इंक्लाइंड होगा संघ के केंद्र के तरफ मतलब संघ को पावर ज्यादा मिल रहा है संघवाद के खिलाफ जाता है समझ रहे हैं तो एकीकृत दूसरी बात वो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकता है हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करो सुप्रीम कोर्ट अपना संघ के हिसाब से निर्णय दे सकता है क्योंकि संघ का न्यायालय तो एकीकृत न्यायपालिका संघवाद के खिलाफ जाता है याद रखना भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपको कुछ अनुच्छेद ही ध्यान में रखने हैं 124 क्या है उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन अब न्यायाधीश के वेतन ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है आज के लिए 129 आज के लिए ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये याद होना चाहिए उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय का मतलब जो कुछ भी बोलेगा सब रिकॉर्ड लिखाएगा अभिलेख और जो अभिलेख न्यायालय होता है उसी को क्या होता है दो तीन चीज होते हैं जो अभिलेख न्यायालय है उसी को क्या शक्ति होगा रित जारी करने का जो अभिलेख न्यायालय होगा उसी को क्या शक्ति होगा अवमानना के संबंध में दंड देने का जो अभिलेख न्यायालय होगा उसी का क्या होगा अपने ही निर्णय को पुनर्विचार करने का तीनों पॉइंट यहीं पे ऐड कर लो अच्छा रहेगा एक साथ रित जारी करने की और और अवमानना के संबंध में और पुनर्विचार अभिलेख न्यायालय लोअर कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय नहीं है तो ना रीत जारी कर सकता है ना अवमानना के संबंध में दंड दे सकता है ना अपने निर्णय को पुनर्विचार कर सकता है समझ पा रहे हैं उसके बाद अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय उसके बाद निर्णयों का आदेशों का उच्चतम तो न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन आर्टिकल वन थ्री सेवन आर्टिकल वन थ्री सिक्स इसके सामने डबल स्टार दिए उच्चतम तो न्यायालय की विशेष इजाजत इसको इंग्लिश में लिखना बहुत जरूरी है स्पेशल लीव पिटिशन स्पेशल एस एल पी एसपीएल तुम बोल रही थी स्टेट प्रीमियर लीग तो एस एल पी स्पेशल लीव पिटिशन सवाल पूछा जा सकता है, उसके बाद आर्टिकल वन फोर्टी थ्री तो बहुत फेमस आर्टिकल है जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी शक्ति एक और आजकल है आजकल 142। इसमें लिखिए कंप्लीट जस्टिस पता नहीं क्यों छोड़ दिया पूर्ण न्याय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पता होना चाहिए आजकल नहीं पूछेगा लेकिन आजकल 142, आजकल वन फोर्टी थ्री आर्टिकल वन थर्टी सिक्स ये तीन आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल ध्यान होना चाहिए ठीक है तो भारत में जो कैसे एकीकृत न्यायपालिका आई 1935 में भारत शासन अधिनियम आया उसमें एकीकृत न्यायपालिका का ढांचा दिया गया विभिन्न जो संविधान में आपको भाग पांच में 124 से 147 में जो प्रावधान है एकीकृत न्यायपालिका को जैसे ही समझो बात को अपील जो हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में साथ में सुप्रीम कोर्ट अपने अधीक्षण में रख सकता है हाई कोर्ट को इसी का क्या मतलब है एकीकृत एक न्यायपालिका ठीक है ये प्रोविजंस है पूछेगा नहीं आपसे कि कौन कौन से आज के लिए हैं कहां से कहां तक है बस ध्यान में रखना है भारत में जो ढांचा क्या है तो देखिए ये ढांचा जब सब ऑर्डिनेट कोच हम लोग पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेट कोच मतलब अधीनस्थ न्यायालय जिला और जिला के नीचे का जो न्यायालय है उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन एक बार देख लीजिए उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय और जो जिला के स्तर पे आपको जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय जो जिला न्यायाधीश होता है एक ही हर जिला में एक होता है जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल मामला देख रहा होता है उसको बोलते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट जज ठीक है और जब वो आपराधिक मामला देख रहा देख रहा होता है तो क्या बोलते हैं सेशन जज सत्र न्यायालय का में जो सत्र न्यायाधीश है वही काम करता है तो अपराधिक में सत्र और डिस्ट्रिक्ट जो सिविल मामले में सिंपल डिस्ट्रिक्ट ठीक है ना जज आ जाता है बाद में ठीक है उसके नीचे अ, अलग अलग राज्यों में अब उसके नीचे कितने स्तर होंगे किसको क्या शक्ति होगी राज्य सरकार का पावर है उच्च न्यायालय का उस राज्य के उच्च न्यायालय का परामर्श करके राज्य सरकार कानून बना के उसके नीचे स्तर बना सकता है इसलिए हरेक राज्य में अलग अलग है बड़ा कंफ्यूजन होता है इसी में ठीक है तुम लोग सुनते होगे कि भाई ती, तीन ही तो है जिला स्तर पे गए आ, ये आ, आपका हाई कोर्ट के स्तर पर गए और सुप्रीम कोर्ट गए तीन ही बार तो अपील करना है दो ही बार अपील करना है इसके नीचे भी त्रिस्तरीय है ठीक है ना तो वो हम लोग अधीनस्थ न्यायालय में देखेंगे ठीक है अब उच्चतम न्यायालय का संगठन न्यायाधीशों की संख्या कितना है चौतीस है तैतीस प्लस एक संसद ये इंपॉर्टेंट है कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा घटा सकता है कानून द्वारा कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स में पूछ सकता है ये सवाल तो यहां लिखे संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं लिखिए पूरा संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे राष्ट्रपति करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे किसके परामर्श से कोलिजियम बाद की बात है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ये राष्ट्रपति द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके परामर्श से और और जितने जज जो उनको सही लगे ठीक है ना तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे नियुक्त किया जाता है समझ पा रहे हैं बाद में कॉलिजियम आया लेकिन संविधान का मूल टेक्स्ट यही है यह भी पता होना चाहिए साथ में क्या है कि परंपरा के अनुसार अभी पूछ देगा कि संविधान के अनुसार जो वरिष्ठम जज है वही क्या बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं परंपरा के अनुसार और बाद में परंपरा के बाद दो तीन बार उल्लंघन भी हुआ तो बाद में जो फर्स्ट जज केस जो था है ना या सेकेंड जज केस हम लोग देखेंगे अभी सेकेंड जज केस में सेकेंड जज केस में बोल दिया गया कि नहीं जो वरिष्ठतम है वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा तो संविधान नहीं नहीं इसमें क्या बोला है कि टेक्स्ट में संविधान में कि राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से जितने न्यायाधीश उनको सही लगे जिससे परामर्श करना सही लगे उसके परामर्श से क्या करेंगे किसको नियुक्त करेंगे सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे ठीक है नहीं समझे समझने वाला बात ही नहीं है राष्ट्रपति हैं और जिससे हमको परामर्श करना अच्छा लग रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का पांच जज हो सकता है तीन जज हो सकता है उच्च न्यायालय का पांच उच्च न्यायालय के पांच चीफ जस्टिस होंगे है ना जिससे हमको सही लगे उससे हम परामर्श लेंगे इसी पे तो विवाद हुआ है ना उसके बाद यहां पे मार्क कर लीजिए परंपरा के अनुसार यहीं पे सामने लिख दीजिए संविधान में नहीं क्योंकि यही तो सवाल पूछता है संविधान में किसके लिए मुख्य न्यायाधीश के लिए बात नहीं। ये नहीं 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 ये जो ये सर। सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के उसमें मुख्य न्यायाधीश से परामर्श हाँ। आवश्यक तो, तो ये जो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है सारे न्यायाधीश के लिए ठीक है उसमें एम्बिग्यूटी था वस्तुनिष्ठा नहीं था इसलिए तो इतना विवाद हुआ तभी तो, तो का तो आया खिलाया तो हाँ, जस्टिस रे अलग कहानी वहां नहीं जाएंगे हम लोग ठीक है तो ये जो है आपको मुख्य न्यायाधीश के केस में है जब हम लोग अन्य न्यायाधीश में आएंगे तो उसमें मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेना आवश्यक है अब अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश अनिवार्य रूप से देखो और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जितना वो आवश्यक समझे उसके आधार पर नियुक्त करेगा समझ रहे हो बाद में बवाल इस बात पे हो गया कि भैया ये जो पर, परामर्श शब्द है परामर्श शब्द है इसका क्या अर्थ है परामर्श शब्द का क्या अर्थ है क्या ये सहमति है क्या जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज अन्य न्यायाधीश अपनी परामर्श देंगे राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है ठीक है उसी संदर्भ में आगे तीन जज केस आया प्रथम न्यायाधीशवाद द्वितीय न्यायाधीशवाद और तृतीय न्यायाधीश बाद हम लोग इतना अंदर जाके पढ़ते हैं और में क्या सवाल पूछ दिया कि चर्चा में हाल ही में चर्चा में रहे तीन जज केस किस से संबंधित है न्यायाधीशों की नियुक्ति कुछ और दो तीन चीज था मंत्री परिषद का त्याग पत्र कुछ भी अरे भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति तो आपसे पूछा जाता है सिंपल सवाल अंदर जाके प्रवेश करके बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आई रिपीट कि सौ सवाल में पांच सवाल जरूर पूछेगा ऐसा जो बड़ा टफ है राष्ट्रपति का निर्वाचन में जो सवाल पूछा था जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो बोझ का मत ज्यादा है एक विधायक का या केरल का वो कितना भी अंदर जाके प्रवेश करके पढ़ लिए सवाल नहीं कर पाओगे तो आपकी तैयारी उन पांच सवाल के आधार पर नहीं होनी चाहिए बचे हुए नब्बे पंचानवे सवाल के आधार पर होनी चाहिए आज अभी क्लास के पहले इनको बता रहे थे कि हमारे समय दो हजार चौदह में पीस क्लॉज का बड़ा चर्चा था डब्ल्यू का अब पीस क्लॉज के अंदर जाके पढ़ रहे हैं सेक्शन ये वो कौन सा ईयर से रेफरेंस ईयर है पूरा पागल हुए पड़े हैं विकीपीडिया इधर उधर अब पूछा हाल ही में चर्चा में रहे पीस क्लॉज किससे संबंधित ठीक <laughs> है ना तो ये समझिए कि सिंपल सवाल पूछता है पहला जज किस में क्या बोला गया जो सहमति जो परामर्श है वो सहमति नहीं है बस विचारों का आदान प्रदान है मामला नहीं सुलझा दूसरा बार में बोल दिया गया कि जो परामर्श है वो सहमति है आपको मानना बाध्यकारी है और सिर्फ जो सलाह है सीजीआई नहीं सीजीआई के साथ दो वरिष्ठम सहयोगी होना चाहिए ठीक है तृतीय जज केस में बोला गया एक कोलिजियम का कॉन्सेप्ट आया किसमें तृतीय जज केस में कि सीजीआई का अकेला मत ही परामर्श नहीं है सीजीआई प्लस चार वरिष्ठतम न्यायाधीश वही कोलिजियम बनाता है ठीक है इसी कोलिजियम को रिप्लेस करने के लिए दो हजार चौदह में एनजैक एनजे आया था है ना और जिसको हाँ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ने क्या किया असंवैधानिक करार कर दिया किस आधार पे? न्यायालय की जो स्वतंत्रता है कार्यपालिका से ये मूल ढांचा का पाठ है और इससे वो मूल ढांचा टूट रहा है है ना? ध्यान रखिए न्यायाधीशों के लिए अहर्ताएं किसमें उच्चतम न्यायालय में, तो में देखिए एक पहले वो अच्छा अपने याद दिलाया हम भूल गए थे कि जो आपका ये है Uh, मैं भूल रहा हूं कोलिजियम hmm. है उसमें एक न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और चार क्या है वरिष्ठम न्यायाधीश उसमें दो न्यायाधीश भी अगर किसी के नाम के खिलाफ हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है ठीक है अब कोरम मुझे नहीं ध्यान है कुछ पता है आपको किसी कोरम पता है कोरम ये तो जरूर है ये शब्द आता है कि जब कोरम पूरा ना हो रहा हो तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति होती है हाँ, अतिरिक्त आगे देखेंगे अतिरिक्त न्यायाधीश से नियुक्ति होती है ठीक है संविधान में उसका प्रावधान नहीं है अब न्यायाधीशों की आर्था बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है भाई भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए कोई उपाय नहीं है सीजीआई के पास वीटो पावर नहीं है इसमें वीटो पावर नहीं है ठीक है जो तुम बोल रहे हो वीटो पावर है ना जो वीटो पावर हो गया है नहीं विद पावर उसके बाद पांच वर्ष तक ये ध्यान रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि आगे काम आएगा पांच वर्ष तक लगातार किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय का क्या रहा हो या दस वर्ष तक लगातार किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय का क्या रहा हो अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की नजर में या राय में परंपरा पा, सॉरी पारंगत है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कीजिए बिना अधिवक्ता और बिना वकील के भी तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो हा? अरे किस मेरे लिए बोल रहे नहीं, ये, ये। नहीं, 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 कर सकता है कोलिजियम दे 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 का कोलिजियम परंपरागत नहीं पारंगत कोलिजियम ये कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है क्या चीज नहीं अगर मान लीजिए कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया तो सरकार को तो नियुक्त करना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल क्या वो अलग चीज है लेकिन आदर्श स्थिति में संविधान के अनुसार ठीक है तो मतलब हम बन सकते हैं और ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए एज एज तो हम पैंतीस साल के हो गए अब वो भी टेंशन नहीं है कि भाई एज वेज का आप भी बन सकते हैं अगर पारंगत विधिवेदता है लक्ष्मीकांत पढ़ लिए हैं आप लोग ठीक है अगर जैक है तो एन जैक हो जाएगा उसके बाद शपथ एवं प्रतिज्ञान अच्छा बताओ शपथ जो है भारतीय संविधान की किस अनु अनुसूची में है सॉरी किस अनुसूची तीसरी में है तो दूस, दूसरी में क्या है दीवी दीवी दीवी। तो तो ये दूसरे तीसरे में अंतर पता है कि कौन से अधिकारी हैं कौन से नहीं है से पूछ सकता है थोड़ा अंदर जा अंदर हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन कुछ अधिकारी का आपको बहुत सारे अधिकारी कॉमन है तो अगले क्लास में हम मैं उसको दिखाऊंगा इतना अच्छा मैंने फ्लोचार्ट बनाया है उसमें कि आप बड़ा बढ़िया से उसको एक बार देख लोगे सीधे समझ में आ जाएगा ठीक है और आप उसमें है क्या दिखाओ एक बार? शीट दिखाओ हाँ इसमें फ्लो चार्ट नहीं है ठीक है ना फ्लो चार्ट के माध्यम से और अच्छा हो जाएगा सीएजी जी दोनों जगह है और तीसरे में आपको ये शपथ एवं प्रतिज्ञान है याद रखना है कि तीसरे में शपथ एवं प्रतिज्ञान में राष्ट्रपति और राज्यपाल का नहीं देखो क्यों संविधान समिध, में ये नहीं है अनुसूचित संविधान में नहीं है उसी अनुच्छेद में बगल में नीचे लिख दिया गया है ठीक है ना उनका वहीं पे लिख दिया गया इसलिए वो नहीं मिलेंगे आपको ठीक है इसे पूछता है इसलिए पूछता है, ठीक है अब ये संप्रभुता ये सब तो आपको समझ रहे होंगे बेसिक चीज है न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है कोई कार्यकाल फिक्स है इनका पांच साल छह साल ऐसा है नहीं पैंसठ वर्ष की उम्र तक जब तक आप रह जाए है हाँ ना तो अगर अभी हम बनेंगे अगर न्यायाधीश तो अभी तीस साल है उसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपद दे सकते हैं और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको पद से हटाता है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अब सब आपको पता है कि भाई विशेष बहुमत चाहिए कौन सा विशेष बहुमत आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट वन वाला या आर्टिकल टू फोर्टी नाइन वाला क्या अंतर था दोनों में आर्टिकल 312 ये 312 है ये आर्टिकल दो है आर्टिकल थ्री सिक्सटी है आर्टिकल थ्री सिक्सटी है कौन सा बहुमत चाहिए 361 है ही नहीं 361 अच्छा ओके ओके ये चाहिए और ये नहीं चाहिए ये दोनों में क्या अंतर है बहुमत में दोनों सेम है क्या है उपस्थित और मतदान करने वाले का दो ती है।, है ना और नीचे क्या है इसमें भाई उप, जो उपस्थित और मतदान करने वाले का दो तिहाई और साथ में पूर्ण बहुमत प्रभावी बहुमत नहीं पूर्ण बहुमत कभी भी टेस्ट ले लेंगे आपका ध्यान रखिए और थ्री सिक्स टू में क्या है भाई ये सब तो थ्री सिक्स वाला क्राइटेरिया पूरा होगा ही और साथ में आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा विधान विधानमंडल विधान याद रखो फिलिम्स में फंसाएगा वहीं पे वहीं पे कायदे से विधानसभा ही है ना लेकिन है लिखा हुआ विधानमंडल विधान, विधान परिषद से भी सहमति चाहिए जहां पे विधान परिषद है ठीक है अब इसको हटाते हो तो कम से कम जो लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य का क्या होना चाहिए हस्ताक्षर से प्रस्ताव आना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति ठीक है तीन सदस्य समिति बनाई जाती है वो समिति अपना रिपोर्ट देता है उसके बाद वोटिंग होता है चाहे जिस जिस भी सदन में हो उसके बाद अगले सदन में भेजा जाता है, दोनों सदन से विशेष बहुमत चाहिए मजदार बात क्या है कि ये बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष क्या रिजेक्ट कर सकता है उसके पास जो प्रस्ताव गया है रिजेक्ट कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति रिजेक्ट कर सकता है क्या न्यायाधीश को हटाने का के लिए डायरेक्ट लोकसभा में ही आना चाहिए किसी भी सदन में आ सकता है ठीक है ये सब हो गया और जब जब वो दोनों सदन से पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है राष्ट्रपति आदेश द्वारा उनको हटाता है अभी तक कितने न्यायाधीश को हटाया गया है एक भी नहीं ठीक है और उच्च न्यायालय में भी सेम केस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में भी सेम तरीके से आप जाते हैं उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होना चाहिए संविधान में क्या लिखा हुआ है दिल्ली लेकिन संविधान के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी से भारत के मुख्य न्यायाधीश अन्य अस्थान या स्थानों को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार रखते हैं अभी इंपॉर्टेंट यहाँ प्रिलिम्स में यहाँ पेंच फंसाएगा कि राष्ट्रपति रखते हैं अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश कायदे से अधिकार कौन रखते हैं मुख्य न्यायाधीश ये अलग बात है कि राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए तो आपसे पूछ सकता है पेलेंस में है ना उसके बाद अच्छा ये भी प्रावधान वैकल्पिक है ठीक है नहीं मैंने नहीं सुना है <laughs> उसके बाद और क्या है किसे नियुक्त किया जा सकता है किसके लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अगर मुख्य न्यायाधीश क्या है बीमार हैं या पदरिक्त हो गया हो है ना या फिर कुछ दिन के लिए बाहर गए हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसी में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा ठीक है अगला क्या है अच्छा ये ऑब्वियसली जो नियुक्ति होगी किसके द्वारा होगी राष्ट्रपति के द्वारा होगी अगला क्या है वो सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अब ये इंपॉर्टेंट है एडॉक में नियुक्ति कौन कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ठीक है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कर देंगे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देंगे नाम ही तदर्थ है नो no डाउट जब वो न्यायाधीश बनेंगे तो न्यायाधीश की तरह शक्ति अपना इंजॉय करेंगे सब उनको वेतन भत्ता सब वही मिलेगा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कहलाएंगे ठीक है कुछ ही समय के लिए बनाया गया उनको और ये कब नियुक्त किया जाता है कि जो अस्थाई न्यायाधीशों की गणपूर्ति जो आप पूछ रहे थे ना गणपूर्ति तो जैसे कि अभी कोरम जो है तो कोरम मुझे लगता है कि मिनिमम कितने जज होने चाहिए उसके संदर्भ में कोरम होगा गणपूर्ति होगा अब एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं पता है ठीक है नहीं नहीं नहीं, नहीं कोरम ओवरऑल अब ये मुझे ध्यान नहीं है कि वो तैतीस जो चौतीस जज हैं उसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश हैं तैतीस में अगर एक भी कम है तो किसी न्यायाधीश को बनाते हो या कुछ एक कोरम है पंद्रह होगा सत्रह होगा वो मुझे कोरम का ध्यान नहीं एक बार लिख लीजिए वो चीज होमवर्क में मैं भी इस चीज को देखूंगा हा? वो तो संवैधानिक पीठ है वो तो संवैधानिक पीठ ठीक है अब ये भी हो सकता है कि जिसे आ, उस न, आ, वही बात है, कोई सत्र को आयोजित करना है और वहां पे पांच जज चाहिए जो संवैधानिक पीठ है है ना और जज नहीं है संख्या में कम है तो वहां पे किसी जज को उच्च न्यायालय के जज को तदस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है लेकिन इस चीज को और क्लियरिफाई करना पड़ेगा ठीक है सेवानिवृत्त न्यायाधीश तो ऐसे भी न्यायाधीश हो, होते जैसे रिटायर हो गए लेकिन काम ज्यादा है बोझ ज्यादा है तो उस जो रिटायर जज है उसको कुछ दिन के लिए बुलाया जा सकता है लेकिन तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं इस हेतु राष्ट्रपति का क्या चाहिए सहमत अनिवार्य सहमति चाहिए ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं समझा जाएगा एक चीज ध्यान रखना है कि आप जो मुख्य न्यायाधीश जो का, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर रहा था कौन कर रहा था राष्ट्रपति अच्छा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति कर रहा है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश है ही नहीं लेकिन अन्य केस में कौन नियुक्त कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसको सहमति किसकी चाहिए राष्ट्रपति की तो इससे भी आप याद रख सकते हैं इस चीज को ठीक है है ना वेतन भत्ते क्या होगा इसका जो वेतन भत्ता है वो संसद निर्धारित करेगा लेकिन जब निर्धारण हो गया जब तक वो सेवा में है उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और मजेदार बात क्या है कि वो जो गुल्लक है संचित निधि उस पर लटका हुआ है बार बार लटकाना नहीं पड़ता है बार बार धन विधेयक से पारित नहीं करना पड़ता है वो संचित निधि पे क्या है भारित है ठीक है एक वित्तीय वेरी गुड वित्तीय आपातकाल को छोड़कर जो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के जज के वेतन भत्ता को कम नहीं किया जाए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता बढ़ा सकते हो ठीक है न्यायालय की जो प्रक्रिया है तो उच्चतम न्यायालय फिर से राष्ट्रपति की मंजूरी के आधार पे वो प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है आजकल 143 के, के तहत वह कम से कम जो संवैधानिक पीठ है उसमें कितने जज होने चाहिए पांच संवैधानिक पीठ का क्या काम है माइक दीजिए इंग्लिश में बोल अरे मजाक करो ही ना बोलो 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 ना हाँ नहीं अच्छा तुम छोड़ दे ऐसे ही बोला हाँ हा, कि कोई कोई एक हाँ कोई संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो है ना और दूसरा केस क्या है कि भाई तीन जज केस का निर्णय आ चुका है तीन जज का अब उसका उसका समीक्षा करना है औ नंबर होगा और, और पांच जज का ही करेगा समझ रहे हो ना बात तो अगर ऐसे बोले तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो बिल्कुल तो बिल्कुल तो का का किया जाएगा वेरी गुड वेरी गुड और आपने बोला था आजकल वन फोर्टी फाइव तो वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री चलिए वेरी गुड उसके बाद ऑब्वियसली निर्णय खुले खुले निर्णय होते हैं मतलब कोई गुप्त निर्णय नहीं होता मतलब कि जाके लोग अटेंड कर सकते हैं है ना सुन सकते हैं सुन सकते हैं सभी निर्णय बहुमत से होते हैं ठीक है जो आपको याद होगा केसवानंद भारती केस में जो सात के सात छह के इससे निर्णय आया था छे लोग डिसेंट दिसे, किए थे बाद में उसी छे को प्रमोशन मिला है ना तो खैर जो भी हो लेकिन डिसेंटिंग वॉइस लिखना जरूरी है ताकि फ्यूचर में पता चल सके क्यों डिसेंट कर रहे हैं आप क्यों इस निर्णय के खिलाफ लिख रहे हैं आपके तर्क क्या है सबसे फेमस डिसेंटिंग नोट किसका था नहीं एक थे जस्टिस खन्ना वो जस्टिस खन्ना एक एसडीएम जबलपुर केस सुनोगे है ना तो उसमें लिखे थे और वो आज तक फेमस है उसको बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया निर्णय को लेकिन वो एक लैंडमार्क डिसेंट बोला जाता है इसलिए हमेशा डिसेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए हो सकता है कि डिसेंट लिख रहा हो उस समय कोई अगर किसी चीज के खिलाफ बोल रहा हो आलोचना कर रहा हो हो सकता है कि उस समय लोगों को पसंद ना आए सिस्टम को पसंद ना आए लेकिन पचास साल बाद वही चीज बड़ा आधुनिक या फिर उदारवादी बात बोला गया डॉक्टर अंबेडकर उस समय जब बात बोलते थे लोगों को पसंद नहीं आता था लेकिन आज लगता है कितने तार्किक थे है ना तो डेमोक्रेसी में इसलिए उसको रेस्पेक्ट किया जाता है उच्चतम तो न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून है पूरे देश में बाध्यकारी है है ना उच्चतम तो न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया गया न्यायाधीश न्यायाधीशों को परामर्श से मतलब न्यायाधीश के परामर्श से ही राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करता है आप समझ जाओ कि कोलिजियम प्रणाली है ना और कोलिजियम का आलोचना में यही बात बोला जाता है कोलिजियम के कारण यहाँ का न्यायालय इतना स्वतंत्रता ले लिया है जितना अमेरिका में स्वतंत्रता नहीं दुनिया का सबसे स्वतंत्र न्यायपालिका में माना जाता है ऑन पेपर भारत का वही तो है कि हितों का टकराव है खुद स्वयं की नियुक्ति कर रहे हैं है ना तो तुम्हारा जगह घर कहा है भारत में है ना हमारे यहाँ क्या बोल कोई द्वीप पे रहे हो क्या कार्यकाल की सुरक्षा है इनको है ना विशेष बहुमत से जा सकते हो निश्चित सेवा सरते हैं अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हो वेतन भत्ता में संचित निधि पे लटका हुआ है इनका तो वेतन भत्ता तुम आ, उस उसपे चर्चा भी जो संचित निधि पे भारत है उसमें चर्चा भी सॉरी मतदान नहीं कर सकते हो चर्चा कर सकते हो इनके आचरण के संबंध में तुम चर्चा नहीं कर सकते हो जब तक कि इनको हटाने का प्रक्रिया ना चल रहा हो उसके बाद इसके क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा कम नहीं किया जा सकता है बढ़ाया जरूर जा सकता है सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं कर पाएंगे ठीक है भले ही वो चुनाव लड़ लें ठीक है और मानना के लिए दंड देने की शक्ति है अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता है कार्यपालिका से पृथककरण है सब बहुत पॉजिटिव चीज है लेकिन कुछ लूप होल है लूप होल क्या है अरे वो तो बात बात की बाद है मेन इनकी स्वतंत्रता में लूप होल क्या है सेवा निवृत्ति के बाद लाभ का पद के संदर्भ में कोई प्रावधान कायदे से होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज अब कोई मनोनीत होके राज्यसभा में चला गया कोई राज्यपाल बन गया है ना अभी कोर्ट का एक जज इस्तीफा देके अभी चुनाव लड़ेगा तो ये भी तो है, कि जो पद है वो, वो ना ठीक है।, किसी किसी है, है वो तो एक्सप्लेन करना है लेकिन कायदे से किसी भी आपको किसी भी पद का प्रैक्टिकल चीज देखिए कि अगर मैं ये न्यायाधीश हूँ सुप्रीम कोर्ट का और मुझे पता है कि मैं कुछ लाभ ले सकता हूँ क्योंकि एक बार जब रिटायर हो गया उसका कोई पूछता नहीं है फिर तुम आर्टिकल लिखो ठीक है ना द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में उसके अलावा और वो भी आजकल तब लिख पाओगे जब बहुत ज़्यादा मतलब पारंगत हो है ना हम लोग टाइप का हो तो फिर दिक्कत ही हो जाए लेकिन अगर ये पता हो कि नहीं भाई राज्यपाल का तो पंचानवे साल तक भी रह सकता है अस्सी साल तक भी रह सकता है पैंसठ में रिटायर हुए पंद्रह साल और मजा मान लो तो ये जो आ, आपका निष्पक्षता नहीं बना रह पाएगा और जो सर्वोच्च न्यायालय इतना इंपॉर्टेंट है उसकी स्वतंत्रता है ना इसीलिए ये बोला जा रहा है कि प्रावधान होना चाहिए हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं इसलिए तो होना चाहिए अब है कि इनका क्षेत्राधिकार तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्राधिकार हैं अब आपका टेस्ट भी लेंगे कि इनका जो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार है वो क्या मूल क्षेत्राधिकार है हुँ? कौन बोलेगा माइक पे कौन बोलेगा दो माइक माइक दीजिए उनका मूल क्षेत्राधिकार है सर मगर विशेष क्षेत्राधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट मूल क्षेत्राधिकार किसको बोलते हैं <coughs> बिल्कुल गलत हाँ, लवी मूल क्षेत्राधिकार किसको बोलते हैं नहीं नहीं मूल का दूसरा शब्द है आरंभिक क्षेत्राधिकार आरंभ में स्टार्टिंग में ही आप जा सकते हैं जैसे मान लो मान लो हम बता रहे हैं अरे सुन लो सुन लो मान लो कि ऐसा हो कि कि भाई आप किसी भी केस को लेके आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाइए मजर हो गया मेरे पड़ोस में केस हो गया हम पे उससे कहां चले सुप्रीम कोर्ट भी काउंटर केस कर दिए सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर पाएगा है ना तो इसीलिए उसको सीमित किया गया है फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मूल क्षेत्राधिकार में डाल दिया गया है कि यार आरंभ में जा सकते हो स्टार्टिंग में जा सकते हो दिक्कत हो सीधे गेट पे जाके खटखट करना है वैसे होता नहीं है वकील वकील करना पड़ता है लेकिन तो मूल मतलब होता है आरंभ ठीक है ना आरंभ में ही जा सकते हो अपील की जरूरत नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने की शक्ति है फंडामेंटल राइट के, के केस में क्या मूल क्षेत्र अधिकार है बिल्कुल आरंभ में ही जा रहे हो जरूरत नहीं है हमको लोअर कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है हाई कोर्ट जाने का हमको मन है सुप्रीम कोर्ट इसी बहाने घूम लेंगे क्या अनन्य है ये, मूल तो है लेकिन क्या अनन्य है अनन्य नहीं अनन्य का मतलब दूसरा कोई नहीं अन्य कोई नहीं तो चूंकि मूल जो फंडामेंटल राइट में आप रिच हाई कोर्ट भी दे सकता है इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए दोनों के लिए मूल क्षेत्र अधिकार है लेकिन दोनों के लिए अन्य क्षेत्राधिकार नहीं हम पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ पर राजदूत और जो समुद्री नीचे वही है नीचे वही है हम लोग आएंगे उस पर वो सब किसमें आ आ, आएगा नीचे आएगा ठीक है किस समझ? किस हम तो वही तो बोल रहे हैं दोनों के लिए मूल क्षेत्राधिकार है फंडामेंटल राइट right के संदर्भ में रित जारी करने की शक्ति लेकिन अनन्य नहीं यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का मूल के साथ साथ क्या हो अनन्य हो ये मैं एक ये बना रहा हूं डायग्राम समझिएगा ये है आपका मूल और ये क्या है अनन्य ये बताइए कि सभी अनन्य कितना ना है आ। अनुन्य सभी अनन्य क्षेत्राधिकार क्या मूल क्षेत्राधिकार है क्या सभी है बिल्कुल कि भाई स्टार्टिंग अनन्य का मतलब है तुम सिर्फ वहां जा सकते हो सिर्फ वहां गए मतलब स्टार्टिंग में ही गए समझ रहे बात तो ये जो क्षेत्राधिकार है अनन्य व या नहीं लिखा हुआ है मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार कौन से जो संघीय मामला है संघीय मामला का विवाद है एक राज्य का दूसरे राज्य का केंद्र का राज्य से है ना? तो हाँ वो सब आगे देख लेना तो सब कहा जा सकते हो कहालौता एक, एक, जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट तो मूल के साथ साथ अनन्य भी है चुनाव विवाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का हो कोर्ट नहीं देखेगा कहाँ दे जाओगे सुप्रीम कोर्ट क्या हाँ तो हम लेकिन उस समय पूछ रहे थे मूल क्षेत्राधिकार अनन्य शब्द बोले भी नहीं थे तब तक अनंत हमको बोलना भी नहीं आया था अभी सीखे हैं समझ रहे बात सिर्फ क्या पूछ रहे थे मूल क्षेत्राधिकार ठीक है उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है फिलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई किस मामले में ये लागू नहीं होता है अंतर्राज्यीय जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे वित्त आयोग के संदर्भित मामले केंद्र और राज्यों के बीच व्यय का समायोजन वाणिज्यिक प्रकृति के वाले साधारण विवाद संविधान पूर्व संधि या समझौता से उत्पन्न विवाद कोई भी संधि या समझौता या ये आपको ध्यान रखना है फैक्चुअल चीज है इसमें मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त मतलब अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है अगला कौन सा क्षेत्राधिकार है रिच क्षेत्राधिकार किस मामले में मौलिक अधिकार के मामले में ये मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार तो है लेकिन अनन्य नहीं है मजेदार बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार के केस में ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी रिट जारी करने के संदर्भ में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है मूल अधिकार के साथ साथ अन्य संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है संवैधानिक अन्य कौन सा अधिकार है मूल अधिकार के अलावा संपत्ति का अधिकार मतदान का अधिकार क्या है ये संवैधानिक अधिकार है और वैधानिक अधिकार में एग्जाम्पल बता दो सूचना का अधिकार है ना ये सब आपका क्या हो गया वैधानिक सब मेरिट जारी कर सकता है हाँ मतलब संविधान बनने के पूर्व पहले कुछ भाई संविधान बनने के पहले भी तो ये बहुत सारे कानून अभी भी बहुत सारे कानून चल रहे हैं आईपीसी उन्नीस संविधान बनने के पहले का है सीपीसी उन्नीस सौ संविधान बनने के पहले का है किसी दूसरे देश के साथ आपका ब्रिटिश इंडिया का समझौता हुआ संविधान बनने से वो पहले का है बात? तो बाद का है।, तो का है? आ? उसमें क्या कहा नहीं जा सकता किसमें क्या हो गया हम नहीं मुझे क्लियर नहीं हो रहा आप देख क्या बताइएगा मुझे खुद क्लियर नहीं हो रहा आप प्रश्न प्रश्न क्या पूछ रहे हैं संविधान बनने के पहले का कोई मामला है तो पहले का है तो ये उसका आरंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा पहले हाईकोर्ट जाइए फिर अपील होके वहां जाएगा ठीक है आपको जानना था क्या उसके बाद एक मजेदार एक एक मिनट प्रीलिम्स के पॉइंट अभी से बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्क कीजिए संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकता है लेकिन घटा नहीं सकता है मजेदार बात है अगर संसद जिस दिन चाह जाए कि भाई अन्य संवैधानिक अधिकार में भी इसको दे दो रिट क्षेत्राधिकार तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकता है हाँ पूछिए क्या पूछ रहे थे हाँ सुख सुप्रीम कोर्ट आप जाते हो तो सु, सुप्रीम कोर्ट आपको ये बोलेगा कि आप पहले उच, उच्च उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए हाँ वो ये बहुत आजकल आ रहा है उसका कारण है बहुत अच्छा सवाल पूछे हो उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बैडन हो गया है देखो तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना किताबी चीज पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल आपको बताता है कि तो भाई हाई कोर्ट चल जाओ वहां नहीं हो तो फिर हम हैं ही क्यों सुप्रीम कोर्ट अब धीरे धीरे अपने आप को चाह रहा है संघीय न्यायालय की तरह काम करे बड़े बड़े विवाद निपटाए प्लस जो आपका संवैधानिक व्याख्या में दिमाग लगाए और आपका फंडामेंटल राइट एक आदमी का वायोलेशन हुआ है नो no डाउट आपको संविधान से मिला है आप जा भी सकते हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उसको डिस्करेज कर रहा है बोले कि पहले एक बार हाई कोर्ट चल जाओ अगर वहाँ ही राहत मिल जाए हमको थोड़ा टाइम दो ना तुम्हें लोग के लिए कल्याण के लिए काम कर रहे हैं चंद्र कुमार का डिसीजन जगह जगह पे है। वो आपको ट्रिब्यूनल के केस में भी है अब अपीलीय क्षेत्राधिकार देखिए मजेदार बात क्या है जो संवैधानिक मामला है उसमें उच्च न्यायालय अच्छा ये बताओ संवैधानिक सम्यधान, मामला कोई उच्च न्यायालय में जा सकता है क्या आ? बिल्कुल जा सकता है उसका अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कोई भी अच्छी बताओ केंद्रीय मामला केंद्रीय कानून है उच्च न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकती है इस मामले में देखो उच्च न्यायालय बहुत शक्ति संसद के कानून की समीक्षा उच्च न्यायालय कर रहा है और भी कौन सा उच्च न्यायालय सभी उच्च न्यायालय छोटी मोटी बात नहीं है राज्य का कानून तो समझ में आता है राज्य का उच्च न्यायालय लेकिन संसद के कानून का भी पहली बार जो समलैंगिकता को डिक्रिमलाइज को किया था दिल्ली उच्च न्यायालय किया था और कौन से कानून था किस कानून में को बोला कि ये पाठ गलत है थ्री सेवेंटी सेवन आईपीसी केंद्रीय कानून है तो अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हो उससे भी ज्यादा अच्छे से प्रिलिम्स में सवाल आए है, है ना ज्यादा अच्छा रहेगा दीवानी या सिविल मामला है वो भी आपको उच्च न्यायालय में जाएगा आपराधिक मामलों में भी आप अपील कर सकते हैं ठीक है ना दीवानी समझ रहे हैं ना लड़का लड़की दोनों भाग गया दीवाना होके सिविल मामला को हम लोग दीवानी मामला भी कहते हैं आपराधिक मामला आप समझ गए ना? विशेष अनुमति द्वारा अपील आज के कौन सा था 136, very important, special petition, SLP, बहुत चर्चा में सुनते हो क्या है एस देखो सामान्यता सामान्यता जैसे कि कहीं भाई मजर हो गया अब वो पहले जाएगा लोअर कोर्ट में वहां से अपील होकर कहा जाएगा हाई कोर्ट में वहां से अपील होके सुप्रीम कोर्ट में यही प्रोसेस ऐसे नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मालूम चलता है कि भाई लोअर कोर्ट सही से काम नहीं कर रहा कुछ ये व्यापक महत्व का केस है उसका विवेकाधीन सकती है याद रखो पूरा विवेकाधीन सकती है कोई उस पर पैरामीटर नहीं बना हुआ है कि इसी चीज को इसी केस को उठाएगा कोई व्यापक महत्व का माहौल चल रहा है या केस चल रहा है तो डायरेक्ट लोअर कोर्ट से या डायरेक्ट हाई कोर्ट से बिना अपील का अपने पास बुला सकता है इसको क्या बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन तो स्पेशल बहुत सारे लोग अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं कि भाई बहुत व्यापक हित का है तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भाई व्यापक हित का है कि नहीं है ना अगर देखता है कि व्यापक हित का है और लोअर कोर्ट में गड़बड़ हो रहा है चाहे बहुत लेट लग रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है उसको देखना तो क्या कर देगा बीच का सारा रास्ता बंद करके सीधे अपने पास बाउंस करके ले आएगा उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन उच्चतम न्यायालय के पास किसी न्यायालय अच्छा सशस्त्र बल का न्यायालय छोड़ के आर्मी का नहीं होना चाहिए या अधिकरण जो ट्रिब्यूनल होता है कि निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति का विवेकाधिकार है ठीक है आपराधिक मामले में मृत्यु दंड का था इनको अपील का लेकिन बाद में क्षेत्राधिकार संसद ने बढ़ा के इसको आजीवन करावा दस वर्ष तक के सजा के लिए भी बोल दिया कि आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं समझ में आ रहा है ना सलाहकारी क्षेत्राधिकार कौन सा आजकल है 142 एक चार तीन एक और तीन मिला के चार है ना सलाह देना किसको सलाह देना राष्ट्रपति को राष्ट्रपति उससे किसी कोई ऐसा कोई बड़ा महत्व का बात है कोई एक समझौता पे व्याख्या चाहिए संविधान किसी प्रावधान पे व्याख्या चाहिए तो उससे सलाह मांग सकता है कि क्या करें तुम लोग बहुत बड़े पारंगत विधिवेता हो है ना तो क्या करें दो तरह का मामला हो सकता है एक संविधान लागू होने से पूर्व और दूसरा जो संविधान लागू होने के बाद का कोई मामला हो कोई कानून हो तो संविधान के लागू होने के पूर्व वाला जो कोई संधि करार प्रसंविदा वचनबद्ध ये सब है उससे जो विवाद हो रहा है उसमें उच्चतम न्यायालय को सलाह देना क्या है अनिवार्य सलाह देना पड़ेगा अगर उस सामने वाला सलाह नहीं देगा पहले की बात है तो कौन देगा सलाह संविधान लागू होने से पहले की बात है। सर जब की जब की में तो, मतलब तो सलाहकारी है ना सलाह मांगने पे है नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ सलाह मांगा जा रहा है और इसमें कंपलसरी कर दिया गया है कुछ ऐसा चीज फंस गया है मामला पेंच समझ रहे हैं बात उसके बाद और क्या है ये जो है मतलब संविधान लागू होने के बाद कोई कानून है उसके बारे में व्याख्या चाहिए उसके बारे में परामर्श चाहिए तो वो सलाह देने से मना भी कर सकता है सलाह दे भी सकता है सलाह देने से इनकार भी कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सलाह है ये गैर बाध्यकारी अच्छा सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देता है क्या सरकार पे बाध्यकारी है है ये फिर गैर बाध्यकारी क्यों है क्योंकि सलाह न्यायिक प्रकृति का नहीं है सलाह है तो हमसे सलाह मांगोगे हम देंगे और उसके बाद बंदूक डाल के बोलेंगे नहीं मानना ही पड़ेगा है ना दोबारा आओगे मेरे पास नहीं सलाह है ये ठीक है क्या है गैर बाध्यकारी वहां भी क्या था परामर्श था लेकिन को कोलिजियम बना के बंदूक डाल दिया गया है कि भाई ये परामर्श का मतलब सहमति है आपको मानना ही है हाँ, बता हाँ बताते हैं अभी अभी, अभी आगे आएगा, आगे आएगा। हाँ, कहां हो तुम अच्छा हाँ अगर दो सिद्धि हो गया हो और उसको न्यायालय पलट के उसको बरी कर दे तो क्या उस उसके बाद फिर उसको अपील किया जा सकता कौन से न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बरी कर दे हाँ। तो फिर रिव्यू पिटीशन लगता है ठीक है तो उसके बाद फिर से बरी कर दे फिर दो सिद्धि हो, हो चुका उसके बाद उसका जो कानून के साथ सजा होगा उसको ना देखते तो, दे तो। दे तो, हुए अगर कोई मुझे आप लगा सकते हैं अभी है आगे वो चीज okay. अभी अगर इनके पास अभिलेख न्यायालय की शक्ति हम बता चुके अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है अभिलेख न्यायालय का मतलब रिट जारी करने की शक्ति रिकॉर्ड उसका रखा जाएगा उसका रिकॉर्ड का पूरे भारत में इस्तेमाल होगा अगर हाईकोर्ट के जज हो और सेम केस ले आए सुप्रीम कोर्ट से उनके निर्णय को दिखा दिए हाईकोर्ट के जज को उसको कुछ मानना ही पड़ेगा बुला रही यार तो अच्छे से जो वकील होते हैं उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है रेफरेंस देते हैं कि इसमें ऐसे हुआ इस केस में ये बोला गया इस केस में ये बोला गया इसलिए इसको बरी कीजिए इसको सजा दीजिए है ना तो ये पूरे देश में चलता है दूसरी बात कि जैसे ही अभिलेख न्यायालय है तो अब मानना की संबंध में दंड देने की शक्ति है यह दंड क्या छह महीने तक साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों याद रखिये जो दंड है मानना के संबंध में आप जो अपराधी या दीवानी दोनों हो सकता है न्यायिक समीक्षा या उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्यों के जो कानून है उसकी समीक्षा कर सकता है कैसे न्यायिक समीक्षा संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है बाद में जोड़ा गया न्यायिक समीक्षा शब्द कब कब जोड़ा गया बयालीसवें संविधान संविधान में यह शब्द नहीं है ये आपका आर्टिकल थर्टीन जो लिखते हो और साथ में थर्टी टू जो है दोनों के हेल्प से न्यायिक समीक्षा होता है ठीक है और क्या है यदि अगर कोई कानून बनाया है मुख्य रूप से यह समझ जाइए कि जो संघीय मामला है राज्य सूची पे विषय बना दिया कौन कानून कौन बना दिया? संघ है केंद्र, तो राज्य सरकार पहुंच जाएगा उसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा हो जाएगी कृषि कानून में यही हुआ था है ना? पुनरीक्षण या संशोधन का क्षेत्राधिकार उच्चतम तो न्यायालय के पास अपने ही निर्णय का पुनरीक्षण करने की शक्ति है, है ना कितने बार भी कोई लिमिट नहीं हाँ हाँ और <laughs> और दूसरी बात आप देखते हैं केशवानंद भारती का जो डेवलपमेंट है तो एक ही बात कि भाई फंडामेंटल राइट right, जो जो विधि है उसमें संविधान संशोधन आता है कि नहीं आजकल थर्टीन में तो अलग अलग जजमेंट में अलग अलग बातें आ रही है, है ना और बाद में केशवानंद भारती में फाइनल वैज्ञान आया हो सकता है कि भविष्य में पचास साल बाद सौ साल बाद कोई नहीं विदेश तो रहेगा हम भले चले जाए और न्यायपालिका वही रहेगा तो वो पुनर्समीक्षा पंद्रह जज का बेंच कर देगा तेरह जज बेंच के स्वान भारतीय आया था पंद्रह जज का बेंच कर देगा कितनी बार भी तो हो सकता करवाना है आपको ठीक <laughs> है ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा लेकिन डिटेलिंग उतना जरूरी नहीं है इसमें जो दीवानी अवमानना क्या होता है है ना आपराधिक अवमानना क्या होता है प्रिलिम्स में इतना अंदर जाके नहीं पूछता है, नहीं ये नहीं पूछा है नहीं उसमें पूछा है कि संविधान में डिफाइन किया हुआ है, अभी अभी आते हैं हम लोग संविधान के अंदर नहीं है वो ये आपको बाद में जो अवानना के संबंध में 1971 में एक्ट बनाया गया उसके तहत है ठीक है हम लोग आएंगे उस सवाल पे हाँ आएगा अभी आएगा करेंगे और फिर उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां विधि का शीर्ष न्यायालय है इसका कानून भारत के सभी न्यायालयों पे अन्य न्यायालयों पे नियंत्रण रखता है ये आचरण की जांच कर कर सकता है किसका यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को तो जो आचरण की जांच करेगा तो क्या राष्ट्रपति को जो बताएगा वो बाध्यकारी होगा या गैर बाध्यकारी बाध्यकारी होता है, है ना पूर्ण न्याय देखिए आ गया ना कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय क्या होता है कि देखो कानून में देखो न्यायपालिका वही निर्णय देगा उसी तरीके की बात करेगा जो कानून में लिखा हुआ है अब क्या हुआ कि इनका लीजिए जमीन है, है ना हिना का मैंने कब्जा कर लिया और दो तीन पुस्तक कब्जा कभ, चला ही है और मतलब डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ मैंने कर लिया सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास हैं लेकिन उसके इस बात का एहसास है पूरा विवेकाधीन शक्ति है उसके पास पूर्ण न्याय के संदर्भ में कि ये बूढ़ी उसमें बूढ़ी हो चुकी होगी <laughs> ये कहाँ जाएगी अगर इसका जो इसी यही घर था यही जमीन था ये जो पैसा वाला आदमी कब्जा कर लिया सारा डॉक्यूमेंट्स है हर जगह से अब सुप्रीम कोर्ट तो वही करेगा जो इसके पास डॉक्यूमेंट है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ठीक है तो क्या करेगा कि भाई बोलेगा सरकार को आदेश देगा कि भाई एक छोटा सा घर इसको भी कहीं पे दे दीजिए ये कानून में नहीं लिखा हुआ है ये तो एक लैंड सूट है लैंड का विवाद है जमीन का विवाद है मकान का विवाद है कानून विवाद में एक जीतता है एक हारता है जो आपका ये राम मंदिर 2019 में जो केस का जो आया 19 में आया आया ना तो तो जो केस का जो आया, तो उसमें लैंड सूच में तीन पक्ष थे है ना तो उसमें जो मुस्लिम पक्ष था जो वक्फ बोर्ड वो, वो हार गया तो उसको बोला गया कि भाई यहां अयोध्या में ही आपको पांच एकड़ राज्य सरकार को आदेश दिया कि पांच एकड़ जमीन दीजिए ताकि मस्जिद बन पाया उस केस में हिंदू पक्ष जीत गया मुस्लिम पक्ष हार गया क्योंकि जमीन का विवाद है।, है इसको आप रिलीजियस एंगल मत दीजिए लेकिन एक पक्ष उसको लगा कि पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है उसको कुछ आ, ये दें सुविधा दें तो कानून में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आदेश दिया कि भाई इसको इतना जमीन दीजिए इसको क्या बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस बहुत बड़ा विवेकाधीन शक्ति है ना इसमें कोई रूल नहीं है कि कहां अप्लाई करोगे सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे है ठीक है तो यही अगर अगर देखे 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 देखे? दे सकता है राहत दे सकता है दूसरे पक्ष को भी जो खासकर जो पक्ष हार रहा है या हार गया है उसको भी कुछ राहत दे सकता है अपना विवेकाधीन शक्ति यूज करके ठीक है अभी हाल में चर्चा में है ये पीटी हम पढ़े हो एक, एक पति पत्नी के बीच खूब झगड़ा हो रहा था वो लोग गया ये करने कि भाई तलाक करा दो तो छह महीने का समय होता है उसमें अगर आपका सहमति नहीं बना छह महीने का नियम है आपको रहना है साथ रहना है या अगर नहीं मामला बनता है तो फिर आपको तलाक का प्रोसेस शुरू किया जाएगा लेकिन छ महीने में आपस में इतना और झगड़ा होने लगा और कुछ ऐसे भी बात एग्जैक्ट डिटेलिंग नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उसको अपने पास केस को लेके उसको तलाक दिलवा दिया नियम से हट के बोला कि भाई साथ रहेगा पता नहीं मार जालेगा दूसरे को कंप्लीट जस्टिस किसको ये करो तलाक जबकि छह महीने का नियम था ठीक है कोई डिसाइड नहीं है नहीं सिर्फ संवैधानिक पीठ में मिनिमम पांच जज बैठेगा कौन सा वो जो पूर्ण न्यायालय हां बाध्यकारी एक ही जगह सलाहकारी है यहां तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है सरकार को मानना बाध्यकारी आज छोड़ देती है तो अगर उसको तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट उसको अमानना के संबंध में जो अधिकारी है उसको दंडित करेगा ऑन पेपर बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली बहुत कुछ होता है बहुत ऑन पेपर बता रहे हैं अगर वो तो राजनीतिक कार्यपालिका छोड़ो जो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किसको करना है जो अस्थाई कार्यपालिका है ऑफिसर्स हैं उसको डर नहीं लगता है उसको जेल में डाल देगा उसका पद नौकरी खा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ठीक है अवमानना के संबंध में अभी उसमें क्या हुआ एक्चुअल बॉन्ड में जून तक का समय मांग रहा था लेकिन जून कल तक देना है सब मिल गया है ना तो क्योंकि कुछ भी कोई भी आपको नियुक्त किया हो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसका अवमानना करोगे नौकरी चली जाएगी ठीक है नहीं इसी में है भाई संविधान से बाध्यकारी नहीं मानेगा तो अवमानना के संबंध में दंड मिलेगा उसको अब वो अवानना में क्या दंड मिलेगा वो प्रकृति पे डिपेंड करता है कि कितना कठोर अवमानना किया है हाँ कोर्ट ऑफ कंटेम कानून भी अवमानना के संबंध में 1971 उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता अब देखिए बहुत डिटेल में वो सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करोगे तो देखिए उनको भी नींद आ रहा है तो रहिए अभी उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अच्छा आपका रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि नींद आ रहा है कैमरा उधर नहीं था ना चलिए पर देखिए जो तीन प्रकार के अधिवक्ता होते हैं प्रसाइट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो आ, ऐसा प्रोविजन है जो वरिष्ठ अधिवक्ता है या फिर अन्य अधिवक्ता है ये सब डायरेक्ट केस नहीं लड़ सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इनको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का हेल्प चाहिए इसका परीक्षा होता है हम भी सोचे आगे देंगे एग्जाम ठीक है और इसमें उच्चतम तो न्यायालय जिसको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ये करेगा वही कोई भी मामला या दस्तावेज उनके पास लेके जा सकता है अब वरिष्ठ अधिवक्ता को केस लड़ना है सुप्रीम कोर्ट में तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का हेल्प लेगा या उसके साथ जाके ये जिरा करेगा वो सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा मामला प्रेजेंट करेगा मेरी बात समझ पा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडर्डाइजेशन बना रहे डॉक्यूमेंटेशन का जज को सहूलियत रहे बीच में एक क्या मीडिएटर मि, मीडिएटर गलत वर्ड है एक ऐसा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना दिया गया है कुछ वकीलों का उनको एक तरह का ट्रेनिंग दे दिया जाता है और इसी के हेल्प से आप अपना मामला अपना दस्तावेज सब कुछ दे सकते हो मेरी बात समझ पा रहे हैं तो उच्चतम न्यायालय का कोई भी अच्छा कौन वरिष्ठ जो बड़े बड़े वकील हैं तो उनके अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं बड़ा वकील है उसको किस किस रूप में घोषित कर देगा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में ठीक है वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम तो न्यायालय में एडवोकेश ऑन रिकॉर्ड के बिना या भारत में किसी अन्य न्यायालय में या अधिकरण में जूनियर वकील के बिना पेश नहीं हो सकते तो जो अगर उसको कोर्ट में जाना है लोअर कोर्ट में भी केस लड़ सकता है तो जूनियर वकील चाहिए ठीक है फिर है आगे तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो एडवकेट सौ है वो न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी पक्ष से कार्रवाई में भाग ले सकते हैं जो अन्य अधिवक्ता हैं ये आपको अधिवक्ता नियम के तहत जो हर एक राज्य का बार काौ, बार काउंसिल होता है उसमें सूचीबद्ध होते हैं अभी तक हम अपने आप को सूचीबद्ध नहीं कराए हैं बार के मेंबर नहीं है क्योंकि उसमें नियम है कि अगर आप बार के मेंबर हो गए तो किसी और प्रोफेशन में नहीं जा सकते हो तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे है ना इसलिए तो इतना नहीं पता है कुछ <laughs> वे उच्चतम न्यायालय में किसी पक्ष की ओर से किसी भी मामले में पेश हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं लेकिन जो दस्तावेज और सब कहां से जाएगा एडवोकेट ऑन के माध्यम जाएगा बस यही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रीलिम्स में पूछ सकता है आपसे सब एडवोकेट सब ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से ही डॉक्यूमेंट वहां जाएगा वो 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 भी 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 उसमें होगा कुछ प्रोविजन एग्जैक्ट तो बहुत टेक्निकल होता है ये लोग अपना खुद का संविधान में लिखा नहीं हुआ है और बहुत सारे खुद का प्रक्रिया नियम बनाते हैं मतलब मैं आपको बता दूं कि जो वकालत और ये सब में आप जाइएगा तो लगेगा कि एक महाजाल है अपने इतने रूल्स हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट रूल बदलते रहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अपने रूल्स हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस वहां नहीं कर रहे हैं तब तक तो बताना बड़ा मुश्किल है संयुक्त राज्य अमेरिका से जो तुलना है इसमें मूल और आरंभिक क्षेत्राधिकार में भारत में संघीय मामला तक सीमित है लेकिन ये जो है अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वो संघीय मामला के साथ साथ नौसैनिक बल समुद्री गतिविधि राजदूत आदि मामले को भी देख सकते हैं, ठीक है इसको प्रस के फैक्ट की तरह ध्यान रखिए डिटेलिंग में नहीं जाना है। क्योंकि डिटेलिंग आपका मेंस में आता है कि पूछा है कंपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कौंस, है ना याद है ना मेंस में पार्ट है तो आपको इससे ज्यादा अंदर जाकर नहीं पूछेगा उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार इसके पास सिर्फ संवैधानिक मामला में है लेकिन यहां तो हर चीज में अपीलीय क्षेत्र अधिकार है भारत में वहां हाईकोर्ट के डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में मजर केस और चोरी डकैती ये सब को सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे फिर भारत में सलाहकारी क्षेत्र क्षेत्राधिकार है वहां पे नहीं है वहां पे नहीं है न्यायिक समीक्षा या संविधान के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है वहां पे क्या है विधि की सम्यक प्रक्रिया लेकिन मेनका गांधी बाद के बाद भारत में भी विधि की स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ क्या आ गया है विधि की सम्यक प्रक्रिया यहीं से लिया गया है ठीक है तो अब प्रैक्टिकली हम लोग दोनों को देखते हैं लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ है विधि की सम्यक प्रक्रिया संविधान में नहीं लिखा हो गया है आपको समय स्थापित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया हम बता चुके हैं है ना उसके बाद क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करना है तो संसद क्या कर सकता है वृद्धि कर सकता है इसमें जो क्षेत्राधिकार है संविधान द्वारा प्रदत्त प्रावधानों तक ही सीमित है यहाँ एकीकृत एक न्यायपालिका है यहाँ पे दोहरी न्यायिक व्यवस्था है राज्यों के लिए अलग और संघ के लिए अलग तो ये बता ही दिए विशेष अनुमति की असाधारण एस एल पी स्पेशल लिप पिटिशन भारत में है वहां नहीं है ठीक है न्यायाधीशों की नियुक्ति के अन्य देशों से तुलना लिखिए प्री में नहीं आएगा नहीं पूछेगा कभी भी नहीं पूछेगा आपसे, सिलेबस का पार्ट नहीं है पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा लेकिन मैंने खुद पढ़ा है देखा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें बिल्कुल कभी नहीं पूछेगा अब ब्रेक लेने के पहले क्वेश्चन देख लें जब इतना ज्ञान दिए हैं आपको क्या है एटी वन क्वेश्चन भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं होगी समझ रहे ना भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम उस्त, न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कभी ऐसा संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के समय किया गया था बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि भाई समीक्षा करना मूल ढांचा का पार्ट है ठीक है चीज गलत आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है हा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग है ना? नहीं ये क्या था अलग था वो उच्च न्यायालय से बुला रहे थे है ना भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम तो न्यायालय के पास है उच्च न्यायालय को है? भाई बिल्कुल बिल्कुल देखो एक चीज ध्यान रखो एक चीज उच्च न्यायालय के साथ ध्यान रखो पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान में सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा हुआ है हाई कोर्ट के संदर्भ में नहीं लिखा हुआ है लेकिन चूंकि ये अभिलेख न्यायालय है इसलिए इसके पास है तो बिल्कुल है पुनर्विलोकन की आंसर क्या होगा सी पर तो रहा है राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति है अब देखिए यहां पे न्यायाधीश जांच अधिनियम उन्नीस के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता गलत।, गलत किया जा सकता है भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और बेवा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करता है क्यों परिभाषित क्यों नहीं है परिभाषित क्यों नहीं है अगर नहीं पता हो ट्रिक वही लगाना है कौन सा ये मूल कानून है सब्सटेंटिव लॉ है प्रक्रियात्मक नहीं है परिभाषाएं न के बराबर है बिल्कुल अगर नहीं कहीं फंसो याद नहीं है तो मतलब परिभाषा नहीं होगा तो उससे तुम दो ऐसे ही कट कर दोगे पहला भी कट हो गया ये भी मालूम चल गया तीसरा सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का ब्यौरा न्यायाधीश अधिनियम में दिया गया है यदि किसी ने न्यायाधीश के माफियों के प्रस्ताव को मतदान हेतु लाया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन में उपस्थित कम से कम दो तिहाई ठीक है बिल्कुल विशेष बहुमत है ना तो आंसर क्या होगा सी अब ये मत बोलना सर सवाल देख क्या के हैं पढ़ाई कर पढ़ा रहे हैं ये भी है आपको क्यू आर एम ही पढ़ा रहे हैं और ये क्यू आर एम बाईस में बना था ठीक है दिख रहा है ये बड़ा कर दें सन्यास समिति की रिपोर्ट पे अनुसरण में न्यायालय की अमानना अधिनियम उन्नीस पारित किया गया भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए जन देने की हेतु शक्ति प्रदान करता है बिल्कुल सही आ? अच्छा देखते हैं भारत का संविधान सिविल अवमानना और का अवमानना को परिभाषित करता है क्यों परिभाषित नहीं कर ये तो पक्का गलत है क्यों संविधान तो परिभाषित नहीं करेगा हम बोल रहे हैं हर चीज में प्रक्रिया और परिभाषा संविधान में लगभग चीज का नहीं है लाभ का पद हो चाहे वो विशेषाधिकार हो इस सब का परिभाषा नहीं है तीसरा गलत हो गया तो तो ये तो आपका गलत हो गया भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं थे। भाई संसद में नहीं थे, तभी तो ये कानून बनाया गया तो ये चार भी सही है आंसर क्या होगा आप देखिए संविधान में अवमानना के संबंध में उसको बताया गया है उसको व्याख्या नहीं किया गया है बोला गया है कि अवमानना के संबंध में संसद कानून बना के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को शक्ति दे देगा लेकिन यह भी समझना है कि ऐसे क्वेश्चन में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन में हर लाइन आपको नहीं आएगा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहेगा एलिमिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हुआ अरे तो कोई गारंटी है कि अभी वैसे ही आएगा अब वही पद्धति लिया जाएगा गारंटी है नहीं और एक दो एक दो में भी एलिमिनेशन में बड़ा मजेदार है कि आप जो गलत लगाओगे और वो सही हो जाता है है कि नहीं है अब ऐसा होगा कि भाई ये आपको लग रहा है ये गलत है और ये तो केवल तीन में सही हो गया है ना लाभ हानि है बराबर है जो पढ़ने वाले के लिए सब ठीक है चलिए हाँ, पिटीशन रह गया आ, सुन लीजिए एक मत, एक सुन लीजिए हाँ? पिटिशन क्यों उपचारात्मक याचिका क्या होता है समझो बात एक बार सुन लो एक मिनट लगेगा कि कोई आ, मतलब यहां पे अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट में और किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया तो फिर रिव्यू पिटीशन लगाएगा रिव्यू लगाता है ना तो एक बार फिर से देखा जाता है कि यार कुछ आजीवन कर दे बचने का बहुत बड़ी बात है राज्य किसी को मार रहा है ना दंड दे रहा है वो भी मृत्यु जंज तो बोला कि नहीं बचने का अपील नहीं ठीक है इसको अब उसका कुछ उपाय नहीं बचता है तो क्या करेगा क्यूरेटिव पिटिशन लगाता है कि एक बार और देख लो बोले क्यों तो मेरे इस जो आपने निर्णय दिया है इसमें फलाने जगह पे नीचे लेवल पे या आपने ये चीज गलत समझा कुछ बताना पड़ता है वो भी उसका विवेकाधिकार है किसका सर्वोच्च न्यायालय का कि क्यूरेटिव को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा अगर एक्सेप्ट कर लिया मतलब उसको लग रहा है कि कहीं बच सकता है है ना तो फिर से देखेगा तो ना 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 बम तो तुम फोरा है है ना तो इसको दे दो भाई मृत्यु तो ये क्यूरेटिव पिटिशन आपको रिव्यू पिटिशन के बाद आता है ठीक है अंतिम है उपाय क्यूरेटिव पिटिशन ठीक है जो ही नहीं है हमें एग्जाम्पल के रूप में बताएं आपको ठीक है चलिए